बिहार के शिक्षक सर सालों से सड़क पर हैं और उसके बाद कई शिक्षकों पर सर लाठी चार्ज होते हैं, तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि आज बिहार ऐसे नेतृत्व और ऐसे टीम के हाथ में चला गया है। रोजगार की बात की और रोजगार देने के बदले युवकों को लाठी से पीटा, ये आप सबों ने देखा। पूरी शिक्षा व्यवस्था आज चरवाहा विद्यालय के प्रणेताओं के हाथ में सौंप दिया गया है, जिनके पास कोई शैक्षणिक दृष्टि नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे भारत के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके जन्मदिन पर हम सब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ इकाई आज शिक्षक समागम एवं अटल सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मान और आने वाले दिनों में जो शैक्षणिक क्षेत्र में बिहार की चुनौतियां हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हम सब आत्मनिर्भर बिहार के साथ इससे 2 के अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की हम सबों ने जो वायदा किया था बिहार के लोगों से, उसका पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार का पूरी शिक्षा व्यवस्था आज चरवाहा विद्यालय के प्रणेताओं के हाथ में सौंप दिया गया है, जिनके पास कोई शैक्षणिक दृष्टि नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन जब शिक्षक और छात्र एक संकल्प लें तो निश्चित तौर पर जो इस क्षेत्र की जो दुरावस्था है, खास करके जो उच्च शिक्षा है, उसमें बहुत लंबे अवधि तक काम करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, जिसमें कई नई चीज़ें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने उसमें समाहित करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भारत की जो नई शिक्षा नीति है, आने वाले दिनों में शैक्षणिक क्षेत्र में एक बेहतर प्रयास होगा। सर, बिहार के शिक्षक सर सालों से सड़क पर हैं और उसके बाद कई शिक्षकों पर सर लाठी चार्ज होते हैं। देखिए शिक्षक दिवस मनाकर हम सब ऐसे महामना के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे महामना को याद करते हैं जो एक शिक्षक से राष्ट्रपति पद तक की यात्रा की और राष्ट्रपति पद उनके पदस्थ होने से राष्ट्रपति पद गौरवान्वित हुआ, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी। तो शिक्षक दिवस तो मनाना ही, और स्वाभाविक है जब हम शिक्षा, शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कई चीज़ें चर्चा होगी और कहीं ना कहीं हमारा केंद्र में सबल नेतृत्व है और उससे शिक्षक को पीटा जाता है। सर नहीं, निश्चित रूप आपने देखा कि अभी जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने रोजगार की बात की और रोजगार देने के बदले युवकों को लाठी से पीटा, ये आप सबों ने देखा। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि आज बिहार ऐसे नेतृत्व और ऐसे टीम के हाथ में चला गया है जो इन भावनाओं का कभी कदर नहीं किया, सिर्फ वादे करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।